तो हे गाइस, आज हम लोग खेलने वाले हैं इंटेलियन के साथ। एंड आज के इस मैच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड मैं इसके साथ खेलने वाला हूँ लिक्विडेशन वाला वो मूव सेट, जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा बबल फेंकता है अपने हाथों से। एंड मैं भी ये मैंने थोड़ा सा टाइम लैप्स के अंदर जो है ख़त्म किया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, ठीक है। एंड इसके साथ हम लोग जो है सोबल से इवॉल्व हो चुके हैं। एंड हम लोग चुनेंगे एक्रोबैटिक्स को, क्योंकि इसे ट्राई करते हैं पहले। एंड ये फ्रीगल, यस। अबे भाई ये तो गया। एंड गाइस, एक और चीज़ मुझे बतानी थी। ओ बार बार बच्चा, मुझे एक और चीज़ आप लोग को ये बतानी थी कि मैंने इसके ऊपर थोड़े गलत एम्बलम्स यूज़ करे हैं, मतलब कि मैंने अटैकर्स वाले एम्बलम्स इसके ऊपर यूज़ करे हैं, तो ये थोड़ी सी बुरी बात है। एंड गया स्लो ब्रो, हाँ बड़ा आ रहा था चौड़ में मारने के लिए। एंड ये एक स्पेशल अटैकर है, बट फिर भी मैंने इसके ऊपर अटैकर वाले एम्बलम्स जो है यूज़ करे हैं, इसी वजह से थोड़ी सी गलती हो गई मेरे यहाँ से। एंड मुझे यहाँ पे, मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था तब मुझे ये पता चला कि मैं अगर 7 लेवल हो जाता तो शायद से मैं ये वाली फाइट जीत जाता। आप लोग यहाँ पे देखो, ये बस 4-4 लेवल के अभी, ठीक है, सारे के सारे 4 लेवल के। अगर मैं 7 लेवल का हो जाता तो मैं इन लोगों के ऊपर सीधा डोमिनेट कर देता। बट मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती की कि मैं स्पेशल अटैकर होके डिफेंडर्स के बीच में जा रहा हूँ, वो भी कौन, ब्लास्टोइस स्लो ब्रो, मतलब कि पूछो ही मत। एंड ये अब जा रहा है भाई, मतलब कि ज़ोरोरा अब जा रहा है पूरी फाइट ख़त्म होने के बाद। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे आया। एंड ये अभी 4 ही लेवल का है यार, कुछ लेवल अप तो करा करो यार तुम लोग, ठीक है। एंड यहाँ पे फाइनली लिक्विडेशन हमारे जो है ऑन हो चुका है। एंड मैंने ले लिया है लिक्विडेशन, ओके। एंड इसका डैमेज वैसे ठीक ठाक ही है। एंड मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा था, ठीक है, एंटीलियन के साथ, तो मुझे पता नहीं था कि ये जो इसके नीचे 3 आप लोगों को दिख रहे हैं ना, ऐसा ये ब्लू ब्लू हो जाता है, तो वो उसका क्रिंट रेट होता है। उससे अगर क्रिंट पड़ा तो डायरेक्ट सामने वाला ख़त्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है उससे। एंड ये मुझे पहले पता नहीं था, क्योंकि पहली बार खेल रहा था यार मैं, एंड बहुत ज़्यादा दिन हो चुके थे। अब मेरी यूनाइट तो खुली चुकी थी, फिर मैंने सोचा कि टॉप पर चलते हैं। एंड टॉप पर वैसे यार ऑब्जेक्टिव सिक्योर करने के लिए कौन सा मूव अच्छा रहेगा वैसे, ठीक है, ये तो गया, ठीक है। वैसे इनका ब्लास्टोइस को मैंने फुल इग्नोर मारा है, इजेक्ट मार के मैं इसके पास आ गया, मतलब कि मैं डायरेक्ट इसके पास आ गया स्लोब्रो के साथ। एंड मैंने इन दोनों को ही निपटा दिया। अरे यार किल चोरी कर दिया इसने, और ये ऑब्जेक्टिव सिक्योर कर लिया हमारे माइनस फाइव ने। माइनस फाइव वैसे अच्छा खेल रहा है यार, पहले पहले थोड़ा सा हुआ इसका, पर अब कोई ना भाई, ये तो अब तक 7 लेवल का नहीं हुआ। ग्रीन निंजा क्या कर रहे हो। एंड उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे अच्छे से पुश कर देते हैं। मैंने अपना 40 का गोल किया, एंड इन दोनों ने जो है, मतलब कि मिस्टर माइन का ही गोल हो पाया यहाँ पे, एंड हमारे माइनस फाइव का गोल नहीं हो पाया। उसके बाद मैं सोच रहा था कि नीचे जाऊँ, बट यहाँ पे मुझे दोनों डिफेंडर फिर से मिल गए। मुझे तो लगता है कि ये दोनों टीम में खेल रहे थे, क्योंकि मैं जब कभी भी फाइट के लिए जा रहा था ये दोनों मुझे साथ में ही मिल रहे थे। एंड पहले तो मैंने इस मोटे को निपटाया, उसके बाद ये पानी की टंकी को भी मार दिया भाई। वो रेंज से वैसे थोड़ा सा बाहर निकल जाता तो बच जाता, बट मुझे पता नहीं उसने सर्फ क्यों नहीं यूज़ किया। एंड यहाँ पे इसने सोचा कि पहले बफ लेके मुझे मारेगा, बट मेरा डैमेज इतना ज़्यादा है कि ये कुछ कर ही नहीं पाया बॉयज। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे अच्छे से गोल कर दे, क्योंकि नीचे हमारे ग्रीन निंजा ने ऑब्जेक्टिव सिक्योर कर लिया। खेल रहा है यार ग्रीन निंजा। एंड मुझे पता नहीं था कि इस साइड पे दोनों डिफेंडर्स फिर से, हाँ भाई दोस्ती निभा लो तुम लोग पहले, ये तो पक्का नुबड़ा। एंड ब्लास्टोइज ने कोशिश तो बहुत की कि वो भाग जाए, बट उसकी कोशिश जो है नाकामयाब रही, क्योंकि मैंने उसे मार दिया। एंड इसकी तो पहले ही फट गई थी, तो ये भाग रहा था उससे डर के। एंड फिर उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई, बट मैंने अपना यूनाइट मूव यूज़ किया। एंड ये तो गया। अरे भाई ये तो भाग रहा है यार, इसकी रेंज ज़्यादा क्यों नहीं है, क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है गाइज। एंड इसी के साथ हम लोग जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने ले लिया था। एंड यहाँ पे मुझे वापस से टेलोन फ्लेम मिल गया, जिसे मैंने एंड अपने वाइल्ड पोकेमोन ने दोनों ने मारा। एंड एल्डी ग्रॉस ऑफ फ्री में आ गया मेरे स्किल के हत्ते में, मतलब कि फ्री का किल मिला। एंड ब्लास्टोइज भाग सकता था, ठीक है, भाग सकता था ब्लास्टोइज, बट ये रुका क्यों मुझे मालूम नहीं ये क्यों रुका। एंड मैंने सबसे पहले टारगेट किया स्लो ब्रो, मतलब कि स्लो स्नोरलैक्स को, स्नोरलैक्स यार मैं नाम भूल गया था, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे पता नहीं यार, इसी को शायद से अटैकर बनना है, क्योंकि ये अपने अटैकर्स एंड ऑलराउंडर्स को छोड़ के एंड डिफेंडर्स को छोड़ के मेरे साथ फाइट कर रहा था 1v1 में। इसे लगा कि ये मुझे हरा देगा, बट मैंने इसे अपनी औकात, मतलब इसकी औकात याद जला दी, ठीक है। ये क्या हो रहा है मेरी आवाज़ को। एंड उसके बाद ये मोटा देखो भाई कितने आराम से जा रहा है। एल डी क्रॉस तो अभी जाएगा, कुछ भी हो जाए। एल डी क्रॉस गया। एंड ये ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव तो गया हमारे हाथ से, बट हाँ मेरी एचपी भले ही थोड़ी सी कम हो इसी वजह से मैंने जो इस बार पोशन यूज़ किया था, बट कोई ना, हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी से इसे मेल्ट कर रहे थे क्योंकि अगर बेस के अंदर घुसा तो बहुत ज़्यादा स्कोर हो जाएगा। माइनस वाइम निकलना चाहिए था यार, माइनस वाइम तो गया। एंड मैं जो है यहाँ पे जल्दी से लिक्विटेशन का यूज़ करके जल्दी जल्दी से मैंने जो है उसे मेल्ट कर दिया है। एंड उसके बाद मैं सोच रहा था कि बॉटम की ओर चलते हैं, बट फिर थोड़ी सी मुझे छुल मची एंड देखो अभी आगे क्या हुआ। मैं जो है बड़े आराम से बॉटम की ओर जा रहा था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आराम से। एंड यहाँ पे मुझे मिला कौन, ब्लास्टोइस, जो कि पूरे मैच में पूरी की पूरी फुटेज खा रहा था यार पूरे मैच में। एंड हम लोगों ने इसे मार दिया। एंड उसके बाद नीचे हमारे माइनस वाइम ने भी जो है ले लिया था ऑब्जेक्टिव सिक्योर करके। एंड उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे जा रहे थे बॉटम की ओर अपना पुश करने के लिए। केव स्ट्रिक टू मेरी वापस से हो गई थी एंड 50 का स्कोर। एंड अबे यार करने दे स्कोर, ये टेल ऑन फ्लेम को आना है बीच में, ठीक है। माइनस वाइम का स्कोर हो गया, नहीं यार मेरे हेल्थ बहुत कम है, कमऑन मर मर मर, यस गया। 8 का स्कोर है, कमऑन 50 का स्कोर हो जाए, मेरा 50 का स्कोर हो जाए। अबे ग्रीन निंजा सेट भाई, क्या नुबड़ा ग्रीन निंजा यार, क्या नुबड़ा ग्रीन निंजा, ये इसे पूरा दिमाग खराब कर दिया भाई। 50 का गोल है वहाँ पे, 50 का गोल डालो ना, 50 का गोल है ना वहाँ पे, वो 11 का गोल डाल के भी क्या ही फायदा हो रहा है, कुछ भी यार, मतलब कुछ भी। एंड अब देखो 7 का गोल लेके वापस घूम रहा है, आगे जाएगा मर जाएगा, ठीक है भाई। बहुत ज़्यादा बंदे आ गए पीछे, हटो उस ग्रीन जगह तो मैं रिपोर्ट मारूंगा या फिर ना मारो यार, आप ही लोग बताओ यार, अब रिपोर्ट मारो या ना मारो। इस बार शायद से मैं उसे छोड़ दूंगा क्योंकि वैसे भी ये सब कुछ करके कोई फ़ायदा नहीं है। एंड इंटेलियन के पास यार पंख भी है, मेरा ध्यान नहीं था इस चीज़ के ऊपर, ये थोड़ा सा मच्छर की तरह दिखता है पोकेमॉन, मुझे सिक्योर करना पड़ेगा यार, ठीक है। कमॉन देखते हैं अभी क्या होता है। ओके ये गया, एल्डी क्रॉस गया, ब्लास्टोइस, ठीक है, टेलॉन फ्लेम भी गया, 4 बंदे डेड हैं उनके, और ब्लास्टोइस कमॉन यार मर जा, ठीक है ब्लास्टोइस भी गया। जल्दी जल्दी उनके बंदे आ जाए, इससे पहले मुझे इसे मेल्ट करना होगा। यस ले लिया मैंने लास्ट हिट यार, बहुत ज़्यादा मेहनत की यार लास्ट हिट के लिए। एंड जल्दी से चलते, इसके एक्रोबेटिक्स वैसे अच्छा ही है एंड ये इनविजिबल भी हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर में, तो ये भी इसकी एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये इसकी पैसिव एबिलिटी है। एंड इसके साथ हम लोग जो इस बैटल को बहुत ही, मतलब कि रुको अभी बाकी है ना, टेलॉन फ्लेम एंड स्नोरलैक्स को मारना भी बाकी है, ठीक है। आज स्नोरलैक्स तेरा बदला जाना, तुम लोगों को याद है कि 2:50 के अराउंड में स्नोरलैक्स ने हमारे साथ फाइट की थी एंड उसमें इसने हम लोगों को जो शुरुआत में बहुत मारा था, तो अभी हम लोगों ने इसे मार दिया। ओके तो हिसाब चुकता कर दिया हम लोगों ने। एंड मैं अभी बॉटम की ओर जा रहा था, मैं अभी और ज़्यादा स्कोर करने के मूड में था नहीं क्योंकि नीचे 3 बंदे थे एंड हमारा ग्रीन निंजा पहले ही हक चुका था, तो मुझे जाना ही था। एंड यहाँ पे मैं 3 बंदों के बीच में से घुसा, भाई पूछो मत, 2 सपोर्टर 1 डिफेंडर एंड उसी के साथ यूनाइट ब्लास्टोइस का। मेरी हेल्थ देखो तुम लोग, मेरे पास कोई सपोर्टर नहीं डिफेंडर नहीं, स्पेशल अटैकर ऐसे ही घूम रहा है। एंड मैंने जो है यहाँ पे ब्लास्टोइस को निकालने की कोशिश तो की, बट भाई कितना ही मारूंगा क्या एक स्पेशल अटैकर हूँ मैं। एंड यहाँ पे मेरा, यहाँ पे देखो यार क्या मस्त पोपट हुआ ब्लिसी का, ब्लिसी ने यहाँ पे गोल ही नहीं किया, देखो वहाँ पे शुरू है उसका, क्या ही बोलूँ, इससे अच्छा तो भाई ब्लास्टोइस ने गोल कर दिया। एंड मैं भी इसके साथ हम लोग जो है 601 के गोल के साथ हम लोग ये बैटल जीत गए। एंड मैं भी 27 किल थे मेरे इसके अंदर। एंड हाँ ये स्टैंडर्ड बैटल था क्योंकि मैंने अब तक ये पोकेमॉन खरीदा नहीं है। एंड 1,43,000 का डैमेज यार, कदही चौर डैमेज। एंड मैं भी गाइज, उम्मीद है आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आएगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।